इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो थर्ड फेज है गांधी जी का, उसके बारे में है, जो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाला जो फेज है इसको हम थर्ड फेज कहेंगे, और कहां से 1945 ऑनवर्ड 1947 तक, इसमें सारी जो इवेंट्स हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड, उसके बाद की इंडिपेंडेंस तक की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ब्रीफ में वो सारी क्रोनोलॉजी बताना चाहूंगा, देन विल मूव फॉरवर्ड। इवेंट्स मैं आपको गिना रहा हूं यहां पे। 1935 का एक्ट हमने देखा था, और उस एक्ट के बाद इलेक्शन 1937 में, और 1937 में पहली बार कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी, और जो कांग्रेस के वर्कर्स थे उन्होंने पहली बार सवाल चखा एक मिनिस्टर बनने का कि मिनिस्टर क्या होता है, और उन्होंने पावर को यूज भी किया अपने फेवर में भी, पर्सनल और पब्लिक वेलफेयर के लिए भी। बट उसके बाद क्या होता, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया को जबरदस्ती खींच लिया गया, घसीट लिया गया, ऐसा अच्छा रहेगा बोलना, इसके प्रोटेस्ट में आके जो इलेक्शन में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसको कहते हैं डिलीवरेंस डे। चलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया, बट अब जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उनके ऊपर प्रेशर था कि जब तक आप इंडियंस का सपोर्ट नहीं लेंगे आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि इंडिया को जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थे उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, ब्रिटेन के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। जो जापानीज थे उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में जो कॉलोनीज थी ब्रिटेन की उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया था, वो उधर से चाइना, उधर से यूएस, वो प्रेशर बना रहे थे कि इनका सपोर्ट लीजिए। तो 1940 में अगस्त के महीने में गवर्नर जनरल ने एक अनाउंसमेंट की जिसको अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है, अगस्त ऑफर। उन्होंने क्या कहा कि यू सपोर्ट अस एंड विल यू हेल्प यू, विल ट्रांसफर पावर टू यू, कब, आफ्टर द वॉर इज ओवर, ग्रेजुअली हम कर देंगे सारा कुछ, बट अभी नहीं कुछ कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर कर दिया। बट कांग्रेस को लगा कि यस थोड़ी सी तो ये बात कर रहे हैं। अब यहां पे कांग्रेस के अंदर खुद डिसेंशन थी कि करा जाए या ना करा जाए, क्योंकि ये वो टाइम है जब जो रेडिकल आइडिया वाले लोग थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, अब वो डोमिनेट कर रहे हैं यहां पे। गांधी जी का जो कैंडिडेट था जिसको गांधी जी ने खड़ा किया कि ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, वो इलेक्शन में हार गया, किसके अगेंस्ट, सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट, जिससे नाराज होके गांधी जी को बुरा लगा। बट सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की रिस्पेक्ट करते हुए 1940 में पार्टी से रिजाइन किया और अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक बना के वो चारे चले गए। गांधी जी बीच में वो भी एक बार छोड़ के चले गए थे, उनको दोबारा बुलाया गया था। अब अगस्त ऑफर के बाद जब कांग्रेस ने नहीं माना डाइसी है, तो गवर्नमेंट को लगा कि एक और एफर्ट्स की जाए, उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा। आपने नाम सुना होगा 1942 में, किस लिए, क्योंकि प्रेशर है कि इंडियंस को मनाइए, अपने साथ में लाइए, अदरवाइज जापानीज अब इंडिया के ऊपर आ चुके हैं। जब क्रिप्स मिशन आया उस टाइम जापानीज अटैक कर चुके थे, इंडिया की बॉर्डर पे आ चुके थे और इंडिया के अंदर इन्वेड करना शुरू कर चुके थे। क्रिप्स मिशन ने भी वही कहा जो अगस्त ऑफर में कहा कि हम आपको सारा कुछ देंगे, हम ट्रांसफर करेंगे, पर जब वॉर ओवर हो जाएगी इतने हम एक काउंसिल बनाएंगे। तो इसको कहा गया कि कोई अच्छी बात नहीं हो रही है कि वॉर इज ओवर, वॉर कब ओवर होगी किसी को नहीं पता, उसके बाद कंडीशंस क्या होंगी वो भी नहीं पता है। तो टॉक्स फेल हो गई, जिससे नाराज होकर गांधी जी को लगा कि अगर यहां पर कोई अटैक कर रहा है उसका रीजन यही है कि अगर जापानीज अटैक कर रहे हैं तो उसका रीजन ब्रिटिशर्स है ना कि इंडियंस, अगर ब्रिटिशर्स ना यहां होते तो जापानीज अटैक भी ना करते, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज क्विट इंडिया, और वहां से शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का ही है, ये भी जहां पर गांधी ने कहा डू ऑर डाई, बट अगर ये डू ऑर डाई करें तो गवर्नमेंट ने वही किया, गवर्नमेंट ने ऊपर से बम फेंक के फायरिंग की और ये इसको सबसे वायलेंट ये रहा मूवमेंट और इसको क्रश कर दिया गया। और अब बातें आगे बढ़ना शुरू हुई कि जो जिन्ना था अब उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। 1940 में उसने एक डिमांड की थी पाकिस्तान की, अब यहां पे उसने डायरेक्ट एक्शन डे भी शुरू किया कि हमें पाकिस्तान दे दीजिए, अदरवाइज हम यहां पे मारकट करेंगे, कम्युनल दंगे हो जाएंगे। उसके बाद लीग को मनाने के लिए राजा जी फार्मूला आया, ये एक राजगोपालाचारी कांग्रेस लीडर थे सीनियर, उन्होंने एक सजेशन दी, उसको कहते हैं राजा जी फार्मूला। उससे ये बात नहीं बनी,
फिर भूले भाई देसाई कांग्रेस के थे और लियाकत अली खान लीग के थे, इनके बीच में एक पैक्ट हुआ। इन्होंने कुछ सजेशंस दी कि ऐसा करते हैं एक गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें दोनों के नॉमिनी बराबर होंगे, उतने कांग्रेस के होंगे उतने मुस्लिम लीग के होंगे, और इतने रिजर्वेशन दे देंगे मुस्लिम्स को, बट उस पर भी कोई अग्री नहीं हुआ। फिर जो लॉर्ड वेवल था उसने अनाउंसमेंट कर शिमला में बुलाया एक डेलीगेशन जिसको कहते हैं वेवल प्लान। और बात एक ही हो रही है कि आप ये कीजिए आप वो कीजिए, उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट बनाइए और इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए जो चलाएगी, तो यही वो इलेक्शंस वेयर इंटरिम गवर्नमेंट बनी। और साथ में ब्रिटिशर्स अब एग्री हो चुके कि हम पावर ट्रांसफर करेंगे, और उसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन इंडिया में पावर ट्रांसफर करने के लिए आया था, पर इसने देखा कि यहां तो ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है कि लीग चाहती है कि एक अलग से पाकिस्तान बने और कांग्रेस चाहती है कि इंडिया यूनाइट रहे। इसने भी ब्लूप्रिंट यही दिया कि कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा, इंडिया यूनाइट रहेगा, जिससे लीग और नाराज होगी। और उधर इंटरिम गवर्नमेंट बनी और गवर्नमेंट ने अपना काम करना शुरू किया। इसके बाद माउंटबेटन प्लान आया। पहले एटली ने एक स्टेटमेंट दी, क्लीमेंट एटली ने एटली स्टेटमेंट वो क्यों दी एटली ने, उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया। जो कि 3 जून को आया था, इसलिए हम 3 जून प्लान भी इसको कह सकते हैं। और उसके बाद इंडिया आजाद हुआ इंडिपेंडेंस डे, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये क्या है, एटली ने एक स्टेटमेंट दी कि हम जून 1948 तक इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। वो इसलिए कहा उसने ताकि लीग जो कि नहीं मान रही है कि ताकि इनको लगे कि अब ब्रिटिशर्स जाने वाले हैं, इससे पहले कि हमें यहां पर एक सरकार बनानी चाहिए, और वो चाहते थे कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जिसको यहां की पावर दे के जाए। उसके बाद माउंटबेटन ने एक प्लान दिया 3 जून को कि हम हिंदुस्तान को 15 अगस्त को छोड़कर जा रहे हैं, और उसके बाद दो हम बनाएंगे यहां पे प्रोविंसेस, 2 स्टेट्स बनेंगे, एक पाकिस्तान होगा और एक इंडिया होगा, दोनों आजाद होंगे, गवर्नर जनरल यहां पे सिर्फ नॉमिनल होगा, उनके बाद इनकी मर्जी गवर्नर जनरल रखना नहीं रखना। और उस सारी चीजों को पास कर दिया ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, जिसको कहते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, और इंडिया आजाद हो गया। तो ये क्रोनोलॉजी है इंडिया की आजादी की। चलिए आजादी हमने भारत की करा दी इवेंट से, अब पढ़ भी लेते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं। हे वी गो। सबसे पहले 1937 के इलेक्शन हुए और कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी। मैंने आपको बताया कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जब बनी थी, और उनके सबसे पहले जो मैनिफेस्टो क्या था कि हम 1935 का जो एक्ट उसको रिजेक्ट करेंगे, और जो सिविल लिबर्टीज उनको वापस रिस्टोर करेंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे, और ये उन्होंने किया भी है सारा। 716 सीट्स उन्होंने जीती, 1161 जो लड़ी थी उनमें से, बंगाल असम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब और जो दूसरे एरियाज थे उसमें उन्होंने इनको छोड़कर बाकी मेजोरिटी में उनकी गवर्नमेंट उन्होंने मिनिस्ट्रीज भी बनाई। किसमें, अब यहां पे आपको याद रखना कि 6 स्टेट्स में उनकी मिनिस्ट्री बनी। सबसे नीचे देखिए व्हाइट में, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार और यूपी, और बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम, तो बाद में 2 में और बने, टोटल 8 में उनकी मिनिस्ट्रीज बनी थी। प्री में ये आ सकता है कहां का मिनिस्ट्री बनी। अब इन्होंने काम क्या किया, जो इन्होंने वादा किया था वो किया। इन्होंने इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी उनके ऊपर बैन हटा दिया, प्रेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी वो दूर कर दी, जो आर्म्स कॉन्फिस्केट किए गए थे वो वापस दे दिए गए, और उसके अलावा जो पुलिस पावर थी प्रोविंस में उसको कर्ब किया गया, और जो काकोरी कंस्पिरेसी में जो रेवोल्यूशनरी इन्वॉल्व थे उनको रिलीज किया गया। उसके अलावा इन्होंने इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए उनको, जो अपने पीजेंट थे फार्मर्स थे उसके लिए भी इन्होंने काम किया। और दूसरी तरफ 1939 में वर्ल्ड वार शुरू, जो कि 1945 में खत्म हुई। कैसे शुरू हुई आपको पता ना चाहिए, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, बस वहीं से शुरू हुई है, जिसमें भारत को जबरदस्ती बीच में ड्रैग कर लिया गया, और इससे नाराज होकर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसको लीग ने सेलिब्रेट किया जाए डिलीवरेंस डे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज डिलीवरेंस डे, इसको कहा जाता है जिस दिन मिनिस्ट्रीज जो थी उन्होंने इस्तीफा दे रिजाइन किया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान वर्ड कहां से आया मैं आपको थोड़ा बता दूं, बड़ा अच्छी चीज है ये, हमें नहीं पता। पाकिस्तान कहते पवित्र स्थान, नो दिस इज नॉट लाइक दैट।
मोहम्मद इकबाल जो पोएट थे उन्होंने पहले कुछ कहा था इसके बारे में कि आप बलूचिस्तान को मिला लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है। उसके बाद चौधरी रहमत अली एक स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज के स्कॉलर थे, उन्होंने एक चीज कही कि एक यूनाइट कीजिए पाकिस्तान, पी स्टैंड्स फॉर पंजाब, ए स्टैंड्स फॉर अफगानिस्तान। A stand for Kashmir, S stand for Sindh, and what is this Tan? This is Tan of Baluchistan. इन सबको मिला दिया, कहते थे सर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, इनको मिलाइए और एक हमें कंट्री बनाना चाहिए। उस टाइम जिन्ना को ये बचकाना बन लगा था कि एक ठीक है एक यंगस्टर है कह रहा है पाकिस्तान बना लो, तब ये मना कर दिया गया था। बट बाद में जिन्ना ने इसी पॉइंट को उठाया और सी के बेस पे उन्होंने पाकिस्तान मांगा। 1940 में रेजोल्यूशन पास किया गया और इसको डिमांड रखी गई 24 मार्च 1940। उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए इंडियंस का, जो कि उनको नहीं मिल रहा है, तो अगस्त के महीने में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथ को उन्होंने अनाउंसमेंट की, एक ऑफर दिया जिसको अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या था, दे प्रॉमिस डोमिनियन स्टेटस। सबसे बड़ी बात है डोमिनियन स्टेटस वो आप दे रहे हैं जब कांग्रेस की ऑब्जेक्टिव क्या, कांग्रेस का गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो पहली बात तो यही है कि जो वो दे रहे हैं तो कांग्रेस लेना ही नहीं चाहती, तो यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा ये। दूसरा कहते पोस्ट वॉर के बाद एक बॉडी क्रिएट करेंगे। पोस्ट वॉर कब भाई, कब कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है 39 और 40 चल रहा है, कब खत्म होगी नोबडी नोज, क्योंकि 45 में खत्म है उसके 5 साल बाद, और जब लड़ाई शुरू होती है नोबडी नोज कब खत्म होगी, 2 साल 10 साल या ज्यादा भी लग जाए। उसके अलावा कहते हैं फॉर द टाइमिंग एक एडवाइजरी काउंसिल हम बना देते हैं। अब यहां पे एक सत्याग्रह शुरू हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया हुआ है और यहां पे मेंस में भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। इंडिविजुअल क्यों शुरू किया गया, क्योंकि अब एनालाइज कीजिए चीजों को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, अरेस्ट कर लिया गया सभी को इंक्लूडिंग गांधी जी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ पहला फेज, सभी को अरेस्ट कर लिया गया इंक्लूडिंग गांधी जी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा उसको रिस्टार्ट किया गया, रिज्यूम किया गया सीडीएम को, अगेन सबको, और कांग्रेस को अब इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा चुका था। अब एक चीज पता है कि अगर अब सारे अगर मूवमेंट चलाएंगे और ना ही मास, अब जो मासेस थी अभी इस कंडीशन में थी कि मूवमेंट लॉन्च किया जा सके, और अगर करते तो अरेस्ट होते सारे। तो गांधी जी ने एक नई तरकीब निकाली कि ऐसा करते हैं इंडिविजुअली हम सत्याग्रह करेंगे, एक इंसान सत्याग्रह करेगा प्रोटेस्ट करेगा और जब वो अरेस्ट हो जाएगा उसके बाद दूसरा आ जाएगा, और वो ऐसा करते हुए दिल्ली तक जाएंगे। सबसे पहले जो इसमें अरेस्ट हुए विनोबा भावे थे, ये याद रखिए क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैं इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहला सभी याद रखते हैं दूसरा तो सब भूल जाते हैं भाई। फर्स्ट रैंकर कौन है सबको पता होता है, सेकंड रैंकर पता होता है, किसी को याद रखना पड़ेगा यहां पे आपको। फिर क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन क्या है कि वो माना नहीं गया बट गवर्नमेंट को लगा उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है यूएसए और चाइना का, अब वो टॉक्स करना चाहते हैं इंडियंस के साथ, तब उन्होंने किसको भेजा कि डोमिनियन स्टेटस की बात करने के लिए एक क्रिप्स मिशन भेजा, और उसने भी यही कहा। अब कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया किस पे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वो तो दे नहीं रहे, डोमिनियन स्टेटस दे रहे क्रिप्स मिशन आके, वही अगस्त ऑफर कह रहा था और वही क्रिप्स मिशन कहना, दिस इज वन थिंग। उसके बाद कि वो कह रहे हैं क्रिप्स मिशन की नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स होगी, कि नॉमिनेशन नहीं चाहिए हमें, इलेक्शन चाहिए, इलेक्ट होने चाहिए जो मेंबर्स हैं। और तीसरा पाकिस्तान, कि हम तो चाहते नहीं पाकिस्तान बने, तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। जब ये रिजेक्ट हो, और दूसरा याद रखिए गांधी जी ने इसके बारे में कहा था, इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए फॉलिंग बैंक, कि ये क्या कह रहे हैं आफ्टर द वॉर इज ओवर हम ऐसा ऐसा कर देंगे, कि एक चेक दे रहे हैं पोस्ट डेट का, कब का जिसके पता नहीं, और फॉलिंग बैंक क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती जा रही थी ब्रिटेन की, इसलिए इसको कहते हैं फॉलिंग बैंक का एक चेक दिया जा रहा है। तो इसके प्रोटेस्ट में आके अब जब ये फेल हो गया क्रिप्स मिशन, तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। मैंने आपको रीजन बता दिया है कि जापानीज आ रहे हैं, गांधी जी समझ रहे हैं, गांधी जी के अकॉर्डिंग जापानीज के अटैक करने का रीजन ब्रिटिशर्स है ना कि इंडियंस खुद, कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं होंगे तो
जापानीज अटैक नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया एंड लीव अस, कि हम जिस हाल में भी हमें छोड़ दीजिए हम खुद संभाल लेंगे, और वहां से मूवमेंट शुरू हुआ। क्वेश्चन आता है, रीजन वो आपके सामने है। उसके बाद बॉम्बे गोवलिया टैंक, वहां पे रेजोल्यूशन पास किया गया, ये क्वेश्चन आ चुका है कहां पे गोवलिया टैंक, बॉम्बे, याद रखिए। और मास स्ट्रगल था, काफी बड़ा था, और सबसे बड़े सबसे ज्यादा वायलेंट था यहां पे। उसके बाद यहां पे गांधी जी ने कहा था डू और डाई, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि गांधी जी को एक चीज पता थी कि जब हम हर मूवमेंट के बाद सारे लीडर्स अरेस्ट हो जाते हो तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा था कि कोई लीडर नहीं होगा तो जो पब्लिक है, जो मास है, उसको अपना लीडर खुद ही बनना है और अपने इस मूवमेंट को चलाते हुए अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए इधर या उसको अचीव कर जाना या फिर मर जाना। और जो दूसरी एक्टिविटीज यहां पे में नजर आती हैं कि अहमदाबाद में स्ट्राइक हुई, उषा मेहता एक इल्लीगल रेडियो स्टेशन चलाती थी, जो एक्टिविटीज बताया करती कि आज की एक्टिविटीज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ये होंगी। उसके अलावा और कुछ लोग थे जैसे राजगोपाल आचार्य और जो दूसरे कम्युनिस्ट थे, इन्होंने अपोज भी किया इस मूवमेंट को। ये क्वेश्चन आया हुआ कि जो रेडियो था अंडरग्राउंड रेडियो, वो कौन चलाया करता था, उषा मेहता चलाया करती थी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट मशीनरी को अपने कंट्रोल में लिया और वहां पे अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की, जिसको पैरेलल गवर्नमेंट का नाम दिया गया, और वो करीब करीब कहीं कहीं दो दो महीने तक चली है। याद रख लीजिए, बलिया में चित्तू पांडे की थी, तामलुक में जतिया सरकार की जी कहते हैं उसको, जो सतीश सामंत की थी, तीसरी सतारा में, सतारा आपको बताएं मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, प्रति सरकार जो नाना पाटिल के अंडर थी, और ये मूवमेंट को गवर्नमेंट ने क्रश कर दिया बुरी तरह से। उसके बाद अब लीग ने उधर 1943 में डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया और कम्युनल राइट्स हुए, काफी नुकसान हुआ। अब कोई नहीं चाहता कि ये जो कम्युनल राइट्स बढ़े, इसलिए सी राजगोपालाचारी जो कांग्रेस लीडर थे सीनियर, उन्होंने एक सजेशन दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो है लीग है हमारे डिमांड्स को माने, उसके बाद में हम इनके साथ बैठ के बाद में बात कर सकते हैं, कि जो हमारी इंडिपेंडेंस की डिमांड है लीग उसको माने, कोऑपरेट करे हमारे साथ गवर्नमेंट बनाने में, और जो दूसरे एरियाज हैं जो नॉर्थ वेस्ट के और ईस्ट के जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी, वहां पे प्लेबिसाइट से डिसाइड कर ली जाए कि वहां के प्रोविंसेस क्या चाहते हैं, और अगर पार्टीशन होता है तो उसमें डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन को सेफगार्ड करते हुए हम उसमें पार्टीशन करेंगे, और मुस्लिम लीग जो हमारी जो उसकी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिमांड है उसको एंडोर्स करें। जीना इसके खिलाफ हो गया। जीना क्या चाहता कि आप टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कीजिए, कि यहां पे दो नेशन है, एक मुस्लिम और एक हिंदू, और दोनों अलग अलग हैं, दोनों इकट्ठे कभी नहीं रह सकते। उसके बाद भूले भाई देसाई कांग्रेस के लीडर थे, लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के, फिर इन्होंने एक नया इस डेडलॉक को खत्म करने की सजेशन दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो गवर्नमेंट बनेगी इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें बराबर होने चाहिए कांग्रेस और लीग के मेंबर, और दूसरा जो माइनॉरिटीज है उनके लिए 20% रिजर्वेशन होना चाहिए, बट इसके बाद ये कोई सेटलमेंट नहीं हो पाई। फिर लॉर्ड वेवल जो गवर्नर जनरल थे 1945 में, उन्होंने एक प्लान दिया, क्योंकि जो वॉर सिचुएशन थी वो इंप्रूव हो रही थी यूरोप में, और इंडिया का सपोर्ट अभी उनको इसलिए चाहिए था क्योंकि उनको लगा कि जो जापान के साथ लड़ाई है, जो जापानीज अभी वॉर पे रहेंगे, अभी करीब एक दो साल और चलेगी, उनको नहीं पता कि अभी वो इंसिडेंट होगा हिरोशिमा नागासाकी, वो सब खत्म हो जाएगा। जो सिचुएशन थी वो दिन ब दिन खराब होती गई, इंडिया की भी और उनकी अपनी भी हो रही थी ब्रिटेन की, और उन्होंने इंडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए फिर ये प्लान भेजा, इसको वेवल प्लान कहते हैं। और वेवल प्लान पर्टिकुलरली था जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके साथ रिलेटेड था। उनका था कि जो मेन प्रपोजल था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाएंगे हम, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जिसमें सबकी बैलेंस रिप्रेजेंटेशन आए, इसमें हिंदूज और मुस्लिम बराबर रिप्रेजेंटेशन हो। और वेवल प्लान के इशू करने के बाद शिमला में उनको बुलाया गया, उसको कहते हैं शिमला एग्रीमेंट कह लीजिए, उसको कहते हैं, जिसमें हमारे इंडियन लीडर्स गए थे, पर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला।
पर दूसरी तरफ जो जिन्ना साहब थे उनका स्टैंड वही रहा, वही पाकिस्तान, वही वो मांगते रहे, और वो नहीं चाहते कि मुस्लिम लीग इसमें इंक्लूड हो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे। और दूसरी तरफ जो कम्युनलिज्म था वो राइज हो रहा था। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने फिर एक और मिशन भेजा, उनको लगा कि अब कोई फायदा नहीं है, अब ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी पावर। तब कैबिनेट मिशन को भेजा गया, आप यहां पे तीनों के नाम याद रखिए, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, इन तीनों को भेजा गया। जो इन्होंने देखा और उसके मुताबिक कुछ सजेशन दिए, कुछ अपने प्रोविजन दिए, वो क्या था, इसने प्रपोज किया एक यूनियन, इसमें इंडियन और स्टेट्स होंगी, और बट इन्होंने एक चीज कही कि जो प्रिंसिपल स्टेट्स होंगी वो उनकी मर्जी वो ज्वाइन करे ना करे। इस वजह से कांग्रेस नाराज थी कि ये एक ब्लूप्रिंट दे दिया आजादी का, अपने डिवीजन का, पार्टीशन का, कि जो स्टेट नहीं चाहती वो अलग रहे, तो ऐसे तो कोई स्टेट नहीं चाहेगी और सारे अलग रहेंगे। उसके अलावा वो कहते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया बनेगी, जिसमें यूनियन के पास क्या होगा, फॉरन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन रहेंगे, और सारी बाकी पावर प्रोविंसेस के पास रहेंगी, जो कि तीन ग्रुप में होंगी, ए बी सी डी। ए में कौन से होंगे, बॉम्बे, मद्रास, यूपी, बिहार, यानी कि वो एरिया जो हिंदू डोमिनेटेड, और बी में और सी में मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज। बी में होंगे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध, और सी में बंगाल और असम। बट लीग को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने 1946 याद रखिए डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने लॉन्च किया, क्योंकि जो असेंबली की वोटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस मिला और वो जीत गए। इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, और फिर उधर कांग्रेस ने एक गवर्नमेंट बनाई, इंटरिम गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं, टेम्परेरी गवर्नमेंट सरकार चलाने के लिए 2 सितंबर 1946 को बनाई गई है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके हेड बने हैं। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जो मैंने आपको पॉलिटी में बताया था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन की बात की थी, कि 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली मीटिंग हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, बट इसमें मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद अभी मुस्लिम लीग, हर बार आप देखिए आपकी मुस्लिम लीग अड़ी हुई है, कुछ भी ज्वाइन नहीं करना चाह रही है। इसलिए जो क्लीमेंट एटली थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि वी वुड लीड इंडिया बाय June 30, 1948, ताकि एक डेडलाइन आ जाए और ब्रिटिशर्स को लगे कि सॉरी मुस्लिम लीग और इंडियंस जो भी थे पार्टी, इनको लगे कि एक डेडलाइन सेट हो गई है, ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, उससे पहले पहले समझौता कर लीजिए। बट कोई नतीजा नहीं निकला। तो माउंट बैटन ने एक 3 जून को प्लान दिया, जिसको माउंट बैटन प्लान, डिकी बर्ड प्लान या 3 जून प्लान भी कहते हैं, और वो था इमीडिएट ट्रांसफर करने के बारे में कि वी वुड लीड इंडिया बाय 15 अगस्त 1947। अचानक उन्होंने अनाउंस कर दिया, और किसको देके जाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी हम उसको देके जाएंगे, और 15 अगस्त के बाद इंडिया आजाद होगा, एक इंडिया और एक पाकिस्तान भी बनेगा। और इसको उन्होंने पास किया, जिसको कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये बिल था जिसमें प्रोविजन रखी गई क्या, कि इंडिया और पाकिस्तान दो प्रोविंस होंगे, जिनके दोनों के अपने गवर्नर जनरल होंगे, और उसके बाद दे आर फ्री कि वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहें ना रहें, सोवरन होंगे वो। और इसको पास करके इंडिया आजाद हो गया। जब इंडिया आजाद हुआ, अब एक प्रॉब्लम थी कि इंडिया जो है इट वॉज अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, कुछ वो टेरिटरीज थी जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर थी, और कुछ वो भी टेरिटरीज थी जो प्रिंसिपल स्टेट्स के पास थी, यानी कि इनडायरेक्टली उनके अंडर थी, बट प्रिंसेस वहां पे रूल किया करते थे, और वो करीब टोटल मिला के 500 के करीब स्टेट्स थी। तो इसका जिम्मा जो आयरन मैन, जिनको कहते हैं वल्लभ भाई पटेल, उनको दिया गया, उन्होंने बाय फोर्स और बाय परसुएशन सबको अपने साथ मिलाया, इंडिया की यूनियन का हिस्सा बनाया। सिर्फ 3 लोग थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एक कश्मीर के महाराजा, एक जूनागढ़ का नवाब और एक निजाम ऑफ हैदराबाद। और यहां भी कोशिश की गई, क्योंकि जो जूनागढ़ का नवाब था वो मुस्लिम था, पॉपुलेशन हिंदू थी, वो चाहता था पाकिस्तान में जाना, बट गवर्नमेंट ने वहां पे इनिशिएटिव लिया और जो नवाब वो छोड़ के भाग गया पाकिस्तान, और जूनागढ़ को मिला लिया गया। यही हुआ निजाम हैदराबाद के, उसमें हैदराबाद का निजाम भी नहीं चाहता था, वो चाहता इंडिपेंडेंट रहना, बट वहां पे भी हमने आर्मी भेजी, वहां पे रिवोल्ट हुआ उसको क्रश करने के लिए, और आर्मी भेजी, और उसके बाद निजाम को गद्दी से उतार के ये भी अपने अंडर ले लिया गया।
तीसरा रह गया कश्मीर। कश्मीर क्या था, कश्मीर जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया, अपनी मिलिट्री भेजी सिविल ड्रेस में ताकि कश्मीर को अपने अंडर ला सके। बट जो कश्मीर का राजा था राजा हरि सिंह, वो इंडिया के पास आया कि हेल्प के लिए, तो इंडिया ने तब कंडीशंस रखी कि हम एक कंडीशन पे आपकी हेल्प करेंगे, आप सरेंडर कीजिए, आप इंडियन यूनियन का हिस्सा बनिए। तब उसने इंस्ट्रूमेंट साइन किया था, उसने तीन चीजें सरेंडर की, डिफेंस कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स, बाकी कुछ नहीं सरेंडर किया। इसीलिए आज भी कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी सारी पावर उनके अपने पास है, और इस तरह कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा बन गया। अब दो टेरिटरीज बाहर रह गई थी, एक फ्रेंच की कॉलोनीज और पोर्चुगीज 1961 में जो गए हैं, जो फ्रेंच थे 1954 में जो इनकी सेटलमेंट थी चंद्रनागौर थी, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये थी, ये रह गई, ये भी खाली करा ली गई और इंडिया के साथ मिला ली गई। और फिर पोर्चुगीज कॉलोनीज थी जैसे गोवा है, दामन है, दीव है, दादरा नगर हवेली है। तो 1954 में फ्रीडम फाइटर्स जो थे उन्होंने इसको भी छुड़ाया, और जो बाकी रह गए हैं वहां पे इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी और बाय फोर्स 1961 में गोवा, दमन, दीव से पोर्चुगीज को निकाला गया। और 1961 में इंडिया की जो सारी चीजें हैं, 47 में बाकी स्टेट्स आ गई और 61 में मतलब जो बची कुची सारा इंडिया यूनाइट हो चुका था। इस तरह हमारा यूनियन ऑफ इंडिया जो आज हम देखते हैं इस तरह बना है। तो अब हमने देखा, हमने तीनों फेज बड़े गांधी का फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया 1885 से, हमने कांग्रेस बनाई, उसके बाद उसका मॉडरेट फेज देखा, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज देखा, फिर गांधी जी आए, गांधी के हमने तीनों फेजेस स्टडी किए, नॉन कोऑपरेशन का, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का और क्विट इंडिया मूवमेंट का, और इस तरह हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की है सारी हिस्ट्री की, बस इसको एनालाइज हमने करना है, ये एनालिटिकल लेवल पे मैंने की है जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं सारे, क्योंकि यहां पे पॉइंट्स लिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, या स्लाइड्स में आपको पॉइंट पढ़ पढ़ के मैं सुनाऊंगा, सिर्फ डिस्कशन थी वो मैंने की आपके साथ। आपको क्या करना है, मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें से उनको याद कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। और यहां पे हम हिस्ट्री को मुकम्मल होती है हमारी हिस्ट्री, और मैं इसको खत्म करता हूं। थैंक यू।